अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ सोरिंग वीट फ्लोर कॉस्ट। इस एडिटोरियल में बात की है गंदम के आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, कि मुल्क भर में गंदम के आटे की जो रिटेल प्राइस है उसमें इतना इजाफा हुआ है जितना कि आज से पहले कभी भी देखने में नहीं आया, जिससे खाने पीने की जो महंगाई है वो जो मुतासर सार्फीन है उनके ऊपर जो दबाव आया उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। सिंध और पंजाब में बिलतरतीब कम अज़ कम 2.5 और 3.5 माह जो है वो गंदम, यानी जो नई गंदम की कटाई हुई है उसके बाद अगले कई हफ्तों में जो आटे की कीमतों में रिलीफ के कोई इम्कान दिखाई नहीं देते। पिछले एक हफ्ते के दौरान गंदम की कीमतों में हालिया इजाफा तकरीबन 4300 रुपये फ़ी यानी 40 किलोग्राम ने मुकामी मार्केट को अपने बैन अलावा हम मनसब यानी उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा महंगा पाया। और अगर हम बात करें पंजाब और सिंध की हुकूमतों की, तो जो यहाँ मिल्स और जो ओपन मार्केट में सरकारी रेट जिस पर अपना स्टॉक जारी किया जाता है उसमें 1200 से 1300 रुपये से बढ़ कर जो प्राइस है वो 2000 रुपये तक यानी 40 किलोग्राम आटे के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। कुछ दिनों के दौरान मार्केट में ये जो आटे के गायब होने की क्या वजह है, ये एक मसला बना हुआ है, ये एक बातचीत बनी हुई है, मिस्ट्री बनी हुई है लोगों के दरमियान। कुछ मार्केट पर जो नज़र रखने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध के बयान को उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया है कि इनके पास इनके सूबे में गंदम का इतना ज़खीरा है ही नहीं कि जिसको वो अगले माह के वस्त तक भी बरकरार रख सकें, उसके मिडल तक भी लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जबकि दूसरे कुछ लोग जो हैं उनका ये कहना है कि मौसम गर्मा के सैलाब की वजह से सिंध में जो देर से गंदम की फसल बोई गई है या इससे भी ज़्यादा महीने में जो अनाज की कमी की जो वाकया हुई है, इन सब की वजह से ये तवक्कुआत जन्म ले रही हैं कि जो आटा है वो मार्केट से गायब हो गया है। अब भी दूसरे दावा करते हैं कि मिलों के रोज़ाना गंदम के कोटे में कमी पिछले सालों के मुकाबले आटों की कीमतों में इजाफा कर रही है, यानी इन जो पहले बताई गई हैं वो ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि मिलों को कम गंदम दी जा रही है जिसकी वजह से जो आटा है वो ख़त्म हो गया। लेकिन हुकूमत का इसरार है कि मुल्क के पास नई फसल तक बरकरार रहने के लिए काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, ये हुकूमत कह रही है। हमारी वजह कुछ भी हो, जुलाई से अब तक 31% से ज़्यादा जो अशियाए खुर्दो नोश है उसकी औसत महंगाई से निपटने के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। फ़िलहाल आसमान को छूती हुई आटे की कीमतें जो कि 135 रुपये फ़ी किलो तक की रिकॉर्ड सतह को छू रही हैं, मुल्क में कम जो आमदनी वाले लोग हैं, जो घराने हैं, उनकी पहुँच से बाहर हो गई है, जिससे गज़ाई अदम तहफ़ में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। इस मसले का सरकारी रद्द अमल ज़खीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहा है। हालांकि माजी में इस तरह के कई इकदाम किए गए हैं जो कभी काम नहीं आए। सूरत हाल का तकाजा फ़िलहाल सिर्फ इतना ही निकलता है कि हुकूमत सप्लाई के फ़र्क को पुर करने और आटे की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए दरामदाद में इजाफा करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेकेंड एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।